हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रिव्यू। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ फाइव नाम की एक मूवी के बारे में। अब देखो ये मूवी चल रहा है 20 के, लेकिन फाइनली से हिंदी में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और बात करेंगे इस मूवी की बेसिक स्टोरी के बारे में और क्या ये मूवी देखने लायक है या नहीं, सारी बातें वीडियो में कवर होने वाली। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, तो देखो वीडियो एंड तक देख लिया करो ताकि आपको पता चल जाए कि सच में मूवी देखने लायक है या नहीं। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप जो है वीडियो को आधे में छोड़कर चले जाते हो, उसके बाद में आके कमेंट में ये कहते रहते हो कि आप तुमने कैसी मूवी रिकमेंड करी है कैसी नहीं। तो पहले पूरी मूवी एंड तक देखो, उसके बाद जो है निर्णय लो कि देखने लायक है या नहीं। तो इस मूवी के अगर बारे में बात की जाए तो ये मूवी जो है 3 साल पुरानी है, 2020 में रिलीज हुई थी। इसकी बेसिक स्टोरी की बात की जाए तो कह सकते हो 5 रैंडम स्टूडेंट होते हैं, टीनेजर स्टूडेंट होते हैं, जो कि किसी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को टच करने की वजह से एक म्यूजियम के अंदर जो वो टेलीपोर्ट कर जाते हैं एक दूसरे मिस्टीरियस लैंड में, मिस्टीरियस दुनिया में, जहाँ पे उन्हें कुछ सवालों के जवाब जानने होते हैं। वहाँ पे कोई जादूगर नहीं है जिसकी छड़ी का जो है टूटा हुआ हिस्सा उन्हें ढूंढना होता है, और वहाँ से वो वापस कैसे आएंगे और वो जो भी मिस्ट्री वगैरह होगी उस लैंड की तो वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सब जानने के लिए आपको इस मूवी को चेकआउट करना पड़ेगा। देखो स्टोरी से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इसकी मिस्ट्री है, इसके अंदर जो फैंटेसी वर्ल्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखो ओवरऑल अगर इसके जो है पॉजिटिव्स की बात की जाए, ये कहूँगा कि मूवी जो है एक नॉर्मल ऑडियंस को या एवरेज ऑडियंस उसको ये पसंद आ जाएगी, जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं मूवी को ये देखने में, जज करने में कि मूवी के अंदर का VFX कैसा है, मूवी के अंदर की स्टोरी टेलिंग कैसी है, मूवी के अंदर जो कैरेक्टर उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं देते हैं, तो उन्हें ये पसंद आ जाएगी। लिटरली एज अ प्रो ऑडियंस, या आपके बारे में मैं बात करूं कि आपने बहुत सारी मूवी देख ली है, ऐसी ऐसी मूवी देख रखी है जिसमें फैंटेसी जो है पीक पर है, जिनका जो मैजिक है, जिनका जो फैंटेसी वर्ल्ड आपको देखने के लिए मिलता है, वो परियों की कहानी वाला वो काफी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है, तब ये मूवी आपको लिटरली बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी। अब इसके अंदर के नेगेटिव की यहीं पे बात की जाए तो इसके अंदर का जो VFX आपको देखने के लिए मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा चीप क्वालिटी का देखने को मिला है, और इसकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है ना वो इतनी ज़्यादा लो रखी गई है, ना ही इसमें जो एक्टर आपको देखने मिलते हैं, मतलब जो कास्टिंग है वो जस्टिफाई देखने को मिलती है, ना ही उनसे कोई कनेक्शन होता है। जो आपको फैंटेसी वर्ल्ड देखने को मिलता है, ऐसा लगता है रैंडमली किसी जंगल में जाके शूट कर ली गई है, और जो इसकी मिस्ट्री क्रिएट की गई है कि हाँ भी ये चीज़ें स्टेप बाई स्टेप इस तरीके से सॉल्व की जाएंगी, तो वो भी कोई इतनी ज़्यादा इफेक्टिव देखने के लिए नहीं मिलती। और साथ ही मैं बात करें इसकी हिंदी डबिंग की, तो लिटरली हिंदी डबिंग मुझे कोई खास ज्यादा पसंद नहीं आई। इसका स्टोरी टेलिंग की बात की जाए तो लिटरली वो भी आपको बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है, मतलब कुछ का कुछ चलना होता है, आपको पता नहीं होता कि स्टार्टिंग में जो है कहानी स्टार्ट कैसे हुई है, उस एंड आते आते वो चीज क्या दिखाना चाह रहे हैं, बीच में रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी। मूवी के अंदर आपको जो क्रिएचर वगैरह देखने के लिए मिलते हैं लिटरली उनका भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने के लिए नहीं मिलता है कि हाँ उनकी कोई जरूरत थी भी, मतलब वो भाग रहे हैं, कोई काम ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता कि हाँ भाई वो जो मॉन्स्टर आपको देखने मिले, वो जो क्रिएचर आपको देखने के लिए मिलते हैं उनसे आपको डरना चाहिए, नहीं जी बिल्कुल नहीं डरेंगे, सामने जाके बात भी कर लेंगे हम तो। और एंड देन कंक्लूजन की बात की तो कंक्लूजन भी इतना बेकार तरीके से जो एंड किया गया है ना लिटरली, अब ये कहोगे यार इससे अच्छा तो ये मूवी आज से 10 साल या 15 साल पहले आती तब एक बार को ये इतनी अच्छी लगती, लेकिन समझो यार 20 के हिसाब से और आप इसे समझो 23 में भी देखोगे ना तो भी ये मूवी आपको लिटरली कोई फील नहीं दिलाएगी। तो मैं ये कहूँगा देखो इसे आप हिंदी डब के चक्कर में जाके चेकआउट करने की कोशिश मत करना, हिंदी डब देखने में मिल जाएगा तो जाकर मैं चेकआउट कर लेता हूँ, बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ से बिल्कुल भी ये रिकमेंडेड नहीं है। मूवी आपको कुछ भी जो है आप कह सकते हो प्लस पॉइंट नहीं देने वाली है, ना ही इसका फैंटेसी वर्ल्ड अच्छा है, ना ही इसकी जो एक्टिंग डिपार्टमेंट आपको बढ़िया देखने में मिलेगी, ना ही इसकी मिस्ट्री अच्छी है, कुछ भी लिटरली अच्छा नहीं है। कॉन्सेप्ट अच्छा था, वो उसे अच्छा कर सकते थे, बहुत कुछ बना सकते थे, लेकिन नहीं बना, वही चीज इसका सबसे ज्यादा बेकार और ड्रॉप आउट पॉइंट है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, उम्मीद करता हूँ रिव्यू आपको समझ में आगे होगा। रिव्यू पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक लेना, ताकि बाबू सुनो जागरूक होने के मैसेज से पहले तुम्हारे भाई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाय करते वीडियो को एंड अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर।